हमारी लाइफ जो भी हमें मिली हुई है, एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन है यहाँ से यहाँ तक का, इस पर्टिकुलर लाइफ स्पैन में हम कहाँ बॉर्न हुए, क्या सिचुएशंस रही, ये तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम कहाँ तक जा सकते हैं, क्या बन सकते हैं, ये हमारे हाथ में। और स्पिरिचुअल साइंस एक बात कहता है, वो ये कहता है कि आप क्या अचीव कर लेते हैं, ठीक है, जो आप अचीव करते हैं या क्रिएट करते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड में, ये यही रह जाता है, इसी दुनिया में रह जाता है, लेकिन व्हाट यू बिकम, आप जो बन जाते हैं इस प्रोसेस में, आप खुद जो बन जाते हैं, ये अगले लेवल पे ट्रांसफर होता है। यानी कि अगर हम लाइफ आफ्टर लाइफ की बात करें, अभी मैं इसके डिस्कशन में नहीं जाऊंगा कि ये होता है या नहीं होता है, अगर हम इस बात को भी मान ले तो हमारी जिंदगी ज्यादा बेहतर हो सकती है, इतना ही काफी है। तो इसमें कहते हैं स्पिरिचुअल साइंस में कि जो हम बन जाते हैं इस अचीव और क्रिएट करने के चक्कर में या इस प्रोसेस में अपनी पूरी जिंदगी को जीने में, जो हम बन जाते हैं उसी चीज को लेके हम आगे अगली जिंदगी में पहुंचते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए कि इस लाइफ में मेरे अंदर ईगो बहुत था और मैंने क्या किया, ईगो डिसॉल्व कर लिया इस जिंदगी में, या आपने ईगो डिसॉल्व कर लिया, तो अगली जिंदगी में ईगो वाला झंझट आपके साथ नहीं रहेगा। यानी कि यहाँ पे आप सेल्फ रिस्पेक्ट और एक लविंग पर्सन के साथ अगली जिंदगी में एंटर करेंगे, तो यहाँ पे आपकी बाकी जिंदगी के जो बचे हुए एरियाज हैं आप उन पे काम कर सकते हैं। तो जो कई एरियाज हैं अपनी जिंदगी के, जैसे मैंने 5 लाइफ के बारे में बताया, उनको आप कई जिंदगियां लगा के बेहतर कर लीजिए या एक ही लाइफ में सबको बेहतर कर लीजिए, वो आपके ऊपर चॉइस है। लेकिन जो कुछ भी करेंगे बिकमिंग पे ध्यान रखिए, जो आप बन रहे हैं इसी से आपकी जिंदगी बेहतर हो रही है और इसी से आपके आसपास की जिंदगी। जब भी ये जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं, जितने ये हैं संत महात्मा टाइप के लोग, ये हमेशा इसके बारे में क्यों बात करते हैं, देखिए कितना साइंटिफिक वो बात करते हैं, नोइंगली अनोइंगली वो इसी के साथ पेन और प्लेजर जोड़ते हैं। इस जिंदगी में बेटा अगर अच्छे नहीं बनोगे ना, तो अगले जन्म में तुमको एक हाथ नहीं मिलेगा, एक पैर नहीं मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उस पेन से अगर आदमी डर गया तो इस जिंदगी में कुछ सही काम करेगा, फिर वो प्लेजर की बात करेंगे, और बहुत अच्छा कर लिया तो अगली जिंदगी जो है उसमें तुम ईश्वर प्राप्त कर सकते हो या धनवान बन सकते हो, ऐसा कुछ बन सकते हो। तो ये कहने का मतलब क्या है, कुल मिला के ये आगे क्या होगा पता नहीं, उनको पता है या नहीं, मुझे पता है नहीं, लेकिन इससे एक चीज पता है कि अगर हम अच्छे बनते रहेंगे तो आज की जो दुनिया है, ये टुडेज वर्ल्ड, ये जो है ना, ये बेहतर होता चला जाएगा, अगर हर इंसान बेहतर होता चला जाएगा। अब आप इसको चाहे जैसे समझो, इस चीज को सच्चाई मान लीजिए या मत मानिए, तो इस चीज को मान लीजिए।